हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी टू बुक चैनल। अभी बच्चों के ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं और हर दिन सभी के बच्चे मुझे लगता है ऐसा पूछते होंगे, मम्मा आज क्या बना रही हो। और आप जैसे ही चॉकलेट का नाम लो, बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। तो चलिए आज बच्चों को ध्यान में रखते हुए उनकी फेवरेट डिश चॉकलेट पिनव्हील रोल बनाते हैं, जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत और खाने में बहुत ही यमी होता है। और ये नो बेकिंग नो कुकिंग रेसिपी है, तो चलिए देखते हैं कैसे। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं कीट स्पेशल पिनव्हील चॉकलेट रोल बनाना, जो कि मेरे बच्चों की तो बहुत ही फेवरेट है और मुझे लगता है कि सभी बच्चों को जिस भी चीज़ में चॉकलेट डाल दो बहुत ही पसंद आती है। तो आज जो मैं पिनव्हील रोल बनाने जा रही हूँ, ये एक ऐसा डिज़र्ट है जिसमें कि नो कुक नो बेक की ज़रूरत है। तो आइए देखते हैं इसको बनाते कैसे हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए ये जो हम लोग मैरीगोल्ड बिस्किट खाते हैं ना, इसका पाउडर करना है मिक्सी में, या फिर आप कोई भी ऐसी बिस्किट ले सकते हैं जैसे कि पार्ले जी है, और भी कई बिस्किट्स आते हैं मार्केट में जो कि कम स्वीटेड होते हैं, तो उसको आप यूज़ कर सकते हैं इस पिनव्हील रोल बनाने के लिए। तो मैंने एक पूरा पैकेट लिया था और उसको मैंने मिक्सर ग्राइंडर में पीस कर ऐसा फाइन पाउडर बना दिया है। और हमें चाहिए एक कोको पाउडर, जो कि हम लोग केक वगैरह में यूज़ करते हैं, और मैं इसमें थोड़ा सा यूज़ करूँगी कॉफ़ी पाउडर। और ये मैंने रखा है बटर, मेल्टेड बटर रखा है, और ये है कोकोनट पाउडर, जो ईज़ली हमें मार्केट में मिल जाता है, किसी भी किराना स्टोर में आपको मिल जाएगा। और ये मैंने बनाया है आइसिंग शुगर, यानी कि पिसी हुई चीनी है। तो और ये है अमूल पाउडर, जो हम लोग दूध के लिए यूज़ करते हैं, मिल्क पाउडर है। और ये मैंने लिया है वनीला एसेंस, जिसको कि हम लोग केक में बेकिंग के लिए यूज़ करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये जो मैंने पाउडर बना के रखा है बिस्किट का, इसमें मैं डालूंगी कोको पाउडर। कोको पाउडर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जितना चाहिए, आप जिस तरह का खाते हैं उस तरह से बना सकते हैं इसको। तो इसमें मैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल रही हूँ कोको पाउडर, और इसमें मैं थोड़ी सी कॉफ़ी पाउडर भी डालूंगी, क्योंकि कॉफ़ी पाउडर में एक्चुअली जो चॉकलेट केक बनाती हूँ उसमें भी हमेशा मैं कॉफ़ी पाउडर ज़रूर यूज़ करती हूँ। और ये मैंने जो चीनी का पाउडर रखा था, ये डालूँगी मैं इसमें। ये भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए, क्योंकि ऑलरेडी बिस्किट थोड़ी मीठी होती हैं, तो इसका आपको खुद ही मेज़रमेंट करना पड़ेगा कि कितना डालना है शुगर पाउडर और कितना कोको पाउडर डालना है। और अब मैं इन सबको मिक्स कर लूँगी। मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, और अब मैं इसमें 2-3 स्पून जितना बटर डालूँगी और उसको मैं मिक्स करूँगी, जैसे हम लोग पराठे बनाते हैं और उसमें मोयन डालते हैं। और तो मैंने इसको मोयन, वो जो बटर था वो डाल के मैंने इसको मिक्स कर लिया है। और अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा सा मिल्क डालकर एक डो तैयार करूँगी, जैसे आप नॉर्मल डो बनाते हैं ना वैसे। इसमें एक बार में ज़्यादा मिल्क नहीं डालना है, नहीं तो फिर इसको संभालना मुश्किल हो जाता है, फिर आपको दोबारा बिस्किट का चूरा बनाना पड़ेगा और दोबारा से फिर सारे प्रोसेस करने पड़ेंगे। तो इसलिए हम लोग इसमें थोड़ा थोड़ा सा मिल्क डालकर इसका डो तैयार करेंगे। ये हमारा डो धीरे धीरे से रेडी हो रहा है, और इसी बीच में थोड़ा सा इसमें डाल दूंगी वेनिला एसेंस और इसको मिक्स कर दूंगी। और मैं इसमें फिर से डालूंगी मिल्क और इसका एक डो तैयार करूंगी। तो फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं मैंने इसका डो तैयार कर लिया है। एक्चुअली अभी ठंड का टाइम है ना, तो जो मैंने इसमें बटर डाला है वो बहुत जल्दी जमना शुरू हो जा रहा है, तो इसलिए मुझे इसको, और डो अगर मैं थोड़ा हार्ड लगाऊंगी तो ये फटना शुरू हो जाएगा, इसलिए इसका डो थोड़ा स्मूथ होना चाहिए। हालांकि गर्मियों में आपको ये मुश्किल नहीं आएगी, ये सर्दी का मौसम है इसलिए ऐसा हो रहा है। तो ये डो तैयार हो गया है, अब मैं इसका नेक्स्ट प्रोसेस करूँगी।
तो अभी इसकी फिलिंग बनाने के लिए हमें चाहिए ये मिल्क पाउडर। तो मैं ये भी आप अपने अंदाज़े से ले सकते हैं कि कितना आपने डो तैयार किया है उसके अकॉर्डिंग। तो ये मैंने मिल्क पाउडर लिया है और इसमें मैं डालूंगी ये डेसिकेटेड कोकोनट है पाउडर, ये भी मैं डालूंगी। ये भी ऑप्शनल है, आप चाहे तो डालिए, नहीं तो नहीं भी डाल सकते हैं। बट मुझे इसका फ्लेवर पसंद है और मेरे बच्चों को भी पसंद है तो इसलिए मैं डाल रही हूँ। तो इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा कोकोनट। और इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये मैंने कोकोनट पाउडर और मिल्क पाउडर को मिक्स कर लिया है और अब मैं इसमें डालूंगी शुगर पाउडर। ये आपको ध्यान रखना है कि कितना डालना है, क्योंकि ऑलरेडी मिल्क पाउडर इसमें मीठा है तो उसके अकॉर्डिंग डालना है। इन तीनों को अच्छे से पहले तो मिक्स करेंगे। एक्चुअली इसमें 1 बाउल आपको मिल्क पाउडर चाहिए, 1 बाउल कोकोनट पाउडर चाहिए एंड 1/2 बाउल शुगर पाउडर चाहिए। तो मेरे हिसाब से ये एक अच्छी सी रेशियो है इसके लिए। और अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके बटर डालूंगी, बट इसको बहुत ज़्यादा डो जैसा नहीं बनाना है, बस थोड़ा सा मिक्स करना है हल्का सा, ताकि मैं उस पर इसको स्प्रेड कर सकूँ। एक्चुअली इसमें नारियल पाउडर है ना, तो इसलिए बटर बहुत ज़्यादा खींच रहा है। बट सिर्फ अगर मिल्क पाउडर से आप बना रहे हैं तो इतना ज़्यादा बटर इसमें नहीं लगेगा, बट मुझे लगता है थोड़ा सा और इसमें बटर अभी लगेगा। बट मेक श्योर बहुत गीला नहीं होना चाहिए ये। तो ये परफेक्ट कंसिस्टेंसी इसकी तैयार हो गई है, ये ऐसा होना चाहिए स्प्रेड। तो चलिए अब इसको रेडी करते हैं। तो अब ये मैंने एक प्लास्टिक शीट लिया है जो कि घर में आपको मिल जाता है, और अगर नहीं मिलता है तो ये मार्केट में जो हम लोग फूड पैकिंग वाली जो आती है प्लास्टिक शीट, वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो है इस पे मैं पहले थोड़ा सा बटर स्प्रेड करूँगी। तो इन इस पूरे पे थोड़ा थोड़ा बटर स्प्रेड कर देना है ताकि ये चिपके ना और ईजिली निकल जाए। अब मैं इस डो को लूँगी और इसको पहले तो अच्छे से राउंड करना है, क्योंकि ये सर्दियों का मौसम है ना, इसलिए ये थोड़ा सा जम रहा है। तो इसका पहले एक राउंड शेप, एक साइड के प्लास्टिक पे हमें इसका राउंड शेप बनाना है। चारों तरफ से हमें पैक करना है ताकि ये फटे ना, और अगर फट भी गया तो कोई दिक्कत नहीं है, वो फिर हम आराम से उसको फिर से चिपका सकते हैं। इसको मैंने सेंटर में, प्लास्टिक के सेंटर में इसको राउंड शेप दे लिया है, और अब मैं ये प्लास्टिक है इसको दोबारा से इसको ऐसे फोल्ड कर दूँगा, क्योंकि आप डायरेक्ट इसको बेलन से नहीं बेल सकते वरना ये टूट जाएगा। तो इस तरह से इसको अब मैं बेलन से बेल लूँगी। और इसका जो थिकनेस है, वो आलू पराठा जो आप बनाते हैं उसमें जो थिकनेस होती है ना, उतना थिकनेस होना चाहिए। बहुत मोटा नहीं होना चाहिए, बहुत पतला नहीं होना चाहिए, वरना टूट जाएगा। दोबारा मैं इसको ऐसे निकालूँगी और फिर से इसको बैक करूँगी, क्योंकि इस पोर्शन में सारा जमा हो रखा है। तो फिर से मैं यहाँ से इसको पीछे की तरफ खींचूँगी। ये जो साइड में जो भी क्रैक्स आ रहे हैं ना, इसको पॉलिथीन को हटा के आप इसको पैक कर लीजिए। तो इसको मैंने तैयार कर लिया है, ये बिल्कुल परफेक्ट तैयार हुआ है। तो अब ये जो स्प्रेड मैंने बनाया है मिल्क पाउडर और कोकोनट पाउडर और शुगर से, इसको मैं इस पर स्प्रेड करूँगी। ये पूरे पे स्प्रेड कर लेंगे और इसको अब धीरे धीरे पूरे पे स्प्रेड कर लेंगे, हाथों की मदद से या फिर स्पून की मदद से।
कहीं भी कम या ज़्यादा ना हो, ये ध्यान रखना है। तो मैंने इसको पूरा अच्छे से स्प्रेड कर लिया है और अब बहुत ही सावधानी से इसको धीरे धीरे पैकेट के साथ ही फोल्ड करना है आपको। इसको इस तरह से मोड़ते हुए निकालते जाना है। इसको बहुत केयरफुली करना पड़ता है। ये मैंने दूसरा फोल्ड दिया, इसको टाइटली ऐसे दबाते जाना है और इस तरह से इसको धीरे धीरे से आपको फोल्ड करते जाना है। एक्चुअली अभी सर्दियों का टाइम है ना, तो बटर थोड़ा जम रहा है बहुत जल्दी, तो इसलिए थोड़ा सा प्लास्टिक में लग रहा है, नहीं तो गर्मियों के टाइम में ऐसा नहीं होता है। बहुत ही सावधानी से, बहुत केयरफुली इसको करना पड़ता है। इस तरह से धीरे धीरे हम लोग इसको फोल्ड कर देंगे और लास्ट में जब फोल्ड आएगा ना, तो उसको उसी में पैक कर देंगे और इसको 15 या 20 मिनट के लिए हमें फ्रिज में रखना पड़ेगा ताकि बटर के साथ सारा कुछ इसमें सेट हो जाए। फ्रेंड्स ये देखिए, ये अच्छे से बाइंड हो गया है, ये अच्छे से इसको मैंने प्रेस कर दिया है और अब मैं इसको थोड़ा सा निकाल के इसका साइड थोड़ा सा लॉक कर दूंगी। दोनों ही साइड से ये फट रहा है, इसके लिए आप घबराइए नहीं, इसको मैं अभी फ्रिज में रखूंगी तो ये सब सेट हो जाएगा। और मैं इसको इसी में फोल्ड करके थोड़ी देर के लिए इसको 15 मिनट्स काफ़ी है, इसको फ्रिज में रख दूंगी। मैं इसको पूरी तरह से इसमें फोल्ड कर दी हूँ और अब मैं जा रही हूँ इसको फ्रिज में रखने के लिए 15 मिनट्स के लिए, और 15 मिनट्स के बाद इसको मैं कट करूँगी। तो फ्रेंड्स 15 मिनट्स हो गए हैं और अब मैं इसको फ्रिज से बाहर निकाल दी हूँ। अब मैं इसको प्लास्टिक से निकालूँगी, इसको धीरे धीरे करके मैं प्लास्टिक से बाहर निकालूँगी। ये देखिए इसे सेट हो गया है और अब मैं इसको पतले पतले स्लाइस में कट कर लूँगी। तो फ्रेंड्स ये हमारा पिनव्हील चॉकलेट रोल बनके रेडी है, आप भी इसको ट्राई कीजिए। आशा करती हूँ आपके बच्चों को ज़रूर पसंद आएगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ बताइएगा ज़रूर, और साथ ही मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं। थैंक यू।